सारी गिर गाय है और इनका जो मिल्क होता है ए टू मिल्क होता है। अभी हम लोग बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार दौरान एक देसी गाय के फार्म पे आए। यहाँ पे तकरीबन 200 गाय हैं जिनसे रोजाना हजारों लीटर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और यहाँ की दूध तकरीबन 100 से 120 रुपए लीटर बिकती है। बहुत सारे किसान भाई जो देसी गोपालन करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं, तो आज हम इन दोनों बिंदुओं पे सीरियल वाइज बात करेंगे। सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो देसी गाय का मिल्क तो A2 क्वालिटी का होता ही है, सब लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जिसमें प्रमाणित हो चुका है। और इसका जो दूध होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हमारा बॉडी इजली डाइजेस्ट कर पाता है और बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जिसमें प्रमाणित हो चुका है कि इस गाय की दूध सबसे बेस्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, जिसके कारण इसका काफ़ी डिमांड है और तकरीबन 100 से 120 रुपए लीटर तक बिक जाता है। तो ये तो फायदे हो गए। हालांकि देसी गाय का दाम भी आजकल काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी कॉस्टली गाय मिलती है। क्या क्या चुनौतियाँ हैं उस पर अगर बात करें तो जो भी नए डेयरी पालक है उनको जानना चाहिए, देसी गाय की डेयरी के लिए सबसे पहले आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप छोटे स्तर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका मार्केट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसका बाजार आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी डेयरी फार्म में जाके इसका दूध आप नहीं बेच सकते हैं। 120 रुपया वही कस्टमर पे कर सकता है जिसका इनकम बढ़िया है, जो अच्छा इनकम अपना जनरेट कर लेता है वही आपको 120 रुपया दे सकता है। तो आपका कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपके वैसे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए जिनकी कमाई अच्छी है। उसके बाद आपको ब्रांडिंग करने आना चाहिए, तभी आप आगे जाके इसको आप आगे सेल कर पाएंगे। इसमें आप 5 और 10 गाय से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते, जब तक आपके पास 100-200 गाय नहीं रहेंगी तब तक आपका फार्म भी सही से नहीं चलेगा और आप अच्छा इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बड़े लेवल पे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और अपने फार्म को स्केलिंग करने का ज़रूरत होगा। तो ये सब कुछ चुनौतियाँ हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर तो गाय बहुत अच्छी है ही, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लोग बोलते हैं कि अगर आपकी गाय तलवा चाटती है उससे आपका लाइफ बढ़ जाता है। देसी गाय का दूध तो अमृत माना ही जाता है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो इन सब बातों का ख्याल किसी भी किसान जो कि देसी गाय का डेयरी स्टार्ट करता है उसको रखना चाहिए, तभी वो सफल होगा। अन्यथा बहुत सारे लोग इसमें बुरी तरीके से फंस भी जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे अवसर हैं, ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बहुत सारे जगहों पर गीर साहिवाल का फार्म खुल रहे हैं, लेकिन किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट का चीज है। अगर आपके पास बड़ी पूंजी है तो आप इसमें आइए, मार्केटिंग कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए, खूब कमाइए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसमें आने का रिस्क न लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।